Assalamualaikum, my name is Abdul Moiz Asif, I'm a YouTube and a vlogger. Welcome to my YouTube channel Abdul Moiz Asif. आज की जो वीडियो है वो है कि नस्ट हॉस्टल टाइटल देख लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और जिन लोगों को हॉस्टल मिल गया वो स्किप कर दें, जिन लोगों को नहीं मिला वो देख लें, और जो लोग मेरे दोस्त हैं यानी जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देखते वो भी स्किप कर दें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नस्ट के हॉस्टल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। सबसे पहला रूल, कमरों के हिसाब से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ पहले चलते हैं कि कमरों में क्या हम एसी लगवा सकते हैं। नहीं, आप एसी नहीं लगवा सकते। गर्मियां हो सर्दियां हो आप एसी नहीं लगवा सकते। हीटर की जहां तक बात है, हीटर लगे होते हैं, स्टीमर लगे होते हैं, तो वो आपके कमरे को गर्म कर देते हैं, लेकिन एसी आप नहीं लगवा सकते। लेकिन ऑल्टरनेटिव के तौर पर अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप तीन रूममेट्स मिला के विद द परमिशन ऑफ मैनेजर आप लोग वो ले सकते हैं, कूल एयर कूलर ले सकते हैं और वो अपने कमरे में रख सकते हैं। और द थिंग इज के सेकंड बात, बच्चे जो अक्सर पूछ रहे होते हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हम अपना मैस अलहदा करवा सकते हैं। आप बिल्कुल मैस अलहदा नहीं करवा सकते। अगर आप नस के अंदर रह रहे हैं आपको नस का ही मैस करना पड़ेगा, और आप ये नहीं कह सकते कि हम तीन दोस्त मिलके मैस कर लेंगे, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और एक और बात, अब मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताता चलूँ। मैंने स्पेशल PDF डाउनलोड किया है, उसे प्रिंट करवाया है, इसके ऊपर कुछ रूल्स लिखे हैं मैं नस्ट के। सबसे पहला रूल है कि अगर आपको हॉस्टल नस्ट का मेल जाता है तो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगी, और अगर वो कन्फर्मेशन ईमेल नहीं आती तो वो ये मेल जरूर कर देते हैं कि आपको हॉस्टल नहीं मिला, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। खैर, आप लोग कन्फर्मेशन मेल आई ईमेल के थ्रू, आपसे CNIC वगैरह मांगते हैं तो वो आप ज़रूर दें। तो इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे हॉस्टल मिल रहा है। अगर कन्फर्मेशन मेल नहीं आई तो समझ जाए आपको हॉस्टल नहीं मिला। द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप ईमेल रिसीव करते हैं और विद इन 1 वीक आप लोग उन्हें ये नहीं बताते कि हम आ रहे हैं या अपना CNIC जो उन्होंने चीज़ मांगी है वो नहीं, या उनका मेल का रिप्लाई नहीं करते, तो वो आपकी सिंपल स्लॉट जो होती है वो कैंसिल कर देते हैं, उसकी जगह किसी और को रूम दे देते हैं। तो ये एक बेसिक सा रूल है, और जिन बच्चों को मिल जाते हैं उन्हें तो मिल जाते हैं, बाकी वेटिंग नंबर पर आ जाते हैं, वेटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो वेटिंग नंबर पे आते हैं उन्हें फिर मिल जाता है हॉस्टल, अगर आप उन्हें विद इन 1 वीक नहीं बताते कि हम आ रहे हैं। कि हॉस्टल का एक बेसिक रूल ये है कि कर्फ्यू टाइम नेस्ट के हॉस्टल्स का 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होता है। कर्फ्यू टाइम अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं, आप हॉस्टल के अंदर तो फिर सकते हैं, हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप बाहर हैं तो बाहर ही रहेंगे सुबह 5 बजे तक, अगर आप अंदर हैं तो अंदर ही रहेंगे सुबह 5 बजे तक, कोई आपका वो नहीं होगा। तो लड़कियों का अगर मैं बात करूं, गर्ल्स हॉस्टल का जो टाइम है कर्फ्यू टाइम 5 o'clock से लेकर, नहीं सॉरी 10 o'clock से लेकर सुबह 5 o'clock तक है, तो लड़कियों का 1 घंटा ज़्यादा है कर्फ्यू टाइम। और आप एक बेसिक रूल ये है कि आप आउटसाइडर्स को स्टे नहीं करवा सकते। अगर आपका कोई दोस्त मिलने आ रहा है, नस्ट विजिट करवा सकते हो, सारा विजिट करवा सकते हो, लेकिन आप उसे अंदर स्टे नहीं करवा सकते। इट विल बी आउट ऑफ द रूल, और इसमें आपको फाइन हो सकता है, इवन आपको हॉस्टल से भी निकाल सकते हैं, तो ये भी नहीं आपने करना। थर्ड थिंग इज, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला और आप हॉस्टल के अंदर आके फौरन मेस कर ले, हॉस्टल के अंदर आके मेस करोगे तो भी आपको फाइन होगा, आपको हॉस्टल बहुत ज़्यादा फाइन हो सकता है। ये बहुत ही एक बुरी बात है, और वैसे भी एक एथिकली भी बुरी बात है कि आपको कोई अलाउ ही नहीं कर रहा मैस करना, तो आप जाके कर लो, तो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं अलाउ। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए बाहर जाना है, सपोज 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना है, घर ही जाना है, एक आके बाद या जितनी देर के बाद भी आपने घर जाना है, आपने हॉस्टल के मैनेजर को बता के जाना कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो ये आप लोगों ने बता के जाना है। या फिर रात को कहीं बाहर स्टे करना है, प्राइवेट हॉस्टल में किसी दोस्त के पास स्टे करना है, या अगर मरीज आ रहे हो, मरीज पास है तो बच्चे जाते रहते हैं, तो मरीज आ रहे हो हॉस्टल के मैनेजर को बता के जाना सब कुछ। और आप अपने कमरे में फ्रिज रख सकते हो आप अपने कमरे में, बट विद द परमिशन ऑफ योर हॉस्टल मैनेजर। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो मैंने आप लोगों को बताने थे, और बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।